आम का सीज़न शुरू हो गया है और आम के सीज़न में आम की आइसक्रीम ना बने ये कैसे हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम की बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम जो बहुत ही कम समय में बन जाएगी। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। आम की आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीनी को हमें पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार लिया है, उस जार में मैंने चीनी को डाल दिया है ढक्कन लगाकर। अभी हम इसे एकदम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चीनी को पीस लिया है, ये देखिए चीनी भी पीस गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा किलो केसर आम लिया है। आप कोई भी आम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप केसर आम ही लें, बस आम जो है वो थोड़ा सा खट्टा और मीठा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम आम का जो पल्प है उसे निकालेंगे। तो एक चाकू की मदद से पहले किनारे वाले भाग को ऐसे कट कर ले और बीच में से ऐसे निशान लगा देंगे ताकि आम का जो पल्प है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप चाहे तो नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आसानी से आप देख रहे हैं पल्प जो है निकल रहा है। तो सेम प्रोसेस से बाकी सारे जो आम है उसका पल्प निकाल लेंगे। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम जो है वो खाना हर किसी को पसंद होता है, बच्चे हो या बूढ़े, हर किसी का फेवरेट होता है। खासकर आम की आइसक्रीम तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है हम सबकी। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर अपने घर में ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ज़्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही कम सामान से बन के तैयार हुआ है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरे वाले छिलके से भी पल्प निकाल लेंगे। इसी तरह हमें जो है बाकी सारे आम में से ऐसे पल्प निकाल कर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों आम में से ऐसे पल्प निकाल लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो जार का ढक्कन बंद करके इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम को पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है मतलब। अब इसे हम साइड में रखेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 250 ml क्रीम लिया है या फ्रेश क्रीम है। अगर आपको क्रीम नहीं मिलता है तो आप दूध से भी बना सकते हैं, बस आपको दूध और दूध पाउडर मिला के बनाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रीम को थोड़ा सा व्हिप कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है, इससे जो है वो 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए व्हिप करेंगे। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि क्रीम को व्हिप करते समय इसे सबसे पहले फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छे तरीके से चिल्ड रहे। जब भी हम व्हिप करें तो ये जल्दी से गर्म नहीं हो। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने जो पिसा हुआ शक्कर रखा हुआ है मतलब चीनी रखी हुई है उसे डाल देंगे। चीनी आप जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चीनी और क्रीम को दोनों को हमें एक साथ ऐसे व्हिप कर लेना है। अगर आपकी क्रीम जो है वो ठंडी नहीं है तो बर्फ़ के टुकड़े हर किसी के घर में होता है, हर किसी के फ्रिज में तो रहता ही है। बस बर्फ़ के टुकड़े को एक किसी बर्तन में नीचे रखकर उसके ऊपर से ये क्रीम वाली बाउल रख के तब व्हिप करें ताकि ये गर्म नहीं हो। तो यहाँ पे क्रीम जो है 2 से 3 मिनट हो गया है व्हिप करते समय। अब हम क्या करेंगे कि हैंड ब्लेंडर को साइड में रख देंगे और हमने जो आम का पल्प तैयार किया हुआ है उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने हैंड ब्लेंडर को बंद कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जो ग्राइंड किया हुआ आम लिया है अब उसे भी डाल दिया है क्रीम में। वापस से हम हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल सके। चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम को ज़्यादा व्हिप नहीं करें, बस 1-2 मिनट के लिए व्हिप करें। उसके बाद जो हैंड ब्लेंडर है उसे बंद कर दें, फिर वापस से हैंड ब्लेंडर को चालू करके उसे व्हिप करना शुरू करें। अगर आप इसे कंटिन्यू व्हिप करेंगे तो क्रीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी। मैंगो डालने के बाद क्रीम को ज़्यादा व्हिप नहीं करें, बस 4 से 5 मिनट के लिए ही व्हिप करें। उतने में आपकी जो आइसक्रीम का टेक्सचर है वो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगा। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप ग्राइंडिंग जार में भी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे मैंने सारी कटोरी को ऐसे किनारे से साफ़ कर लिया है। अब ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे या फिर इसे किसी आप लंच बॉक्स या टिफ़िन बॉक्स में डाल के फ्रीजर में डाल दें 6 से 7 घंटे के लिए, जिससे कि आइसक्रीम जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। तो इसे हम 7 घंटे के लिए फ्रीजर में डाल देते हैं। 7 घंटे हो चुके हैं तो आइसक्रीम को मैंने यहाँ पे फ्रीजर में से निकाल लिया है। आइसक्रीम जो है हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गई है और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। अभी खाएंगे तभी तो पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। यकीन मानिए इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। एक बार आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, हर किसी को पसंद आएगा, बहुत ही कम सामान से बन के तैयार हुआ है।
जब इतनी टेस्टी आइसक्रीम घर में बन जाए तो बाहर ही क्यों जाना। तो यहाँ पे इसे निकालने के लिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, उसमें हम आइसक्रीम को निकाल लेंगे। तो कैसी लगी आज की हमारी यह आम के आइसक्रीम की रेसिपी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।